ग्रामीण क्षेत्रों में ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण मध्य प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्र में ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आठनेर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सी राजौरिया ने वी इंडिया न्यूज संवाददाता सचिन पत्रिकर से चर्चा करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के निर्देश पर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को ईवीएम मशीन से मतदान करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आठनेर जनपद सीईओ श्री राजौरिया ने बताया कि पूरे जनपद में 2 ईवीएम मशीन के द्वारा ग्रामीण मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग ईवीएम मशीन एवं बैलेट पेपर से कैसे किया जाए इसका प्रशिक्षण जनपद पंचायत के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में एक मतदाता को पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य ऐसे 4 बार मतदान करना पड़ेगा। आपको बूथ में जाकर पीठासीन अधिकारी पंच का और सरपंच का बैलेट मत पत्र देगा। वो मत पत्र आप अपने जो प्रत्याशी खड़े हैं उन प्रत्याशियों के जो भी आपको पसंद है जिसको आपको वोट देना है उसके आपको ये ने ईवीएम मशीन के बारे में समझाया, आपको समझ में आया? अच्छा, आपने मतदान करोगे अभी? ईवीएम मशीन और बैलेट यूनिट किस तरह से प्रयोग करेंगे मतदाता उसके संबंध में प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और ग्रामवासियों को समझाकर बता रहा हूँ मैं। आपने अभी तक कितने ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण दिया है? मैंने अभी तक 11 पंचायतों में चुनाव प्रचार प्रसार कर दिया है। आज ये मेरी दूसरी ग्राम पंचायत है। पहले मैंने जावरा ग्राम पंचायत में किया और गुजरमाल के ग्राम ठानी में किया और ठानी के बाद मैं अब मुख्यालय ग्राम पंचायत गुजरमाल आया हूँ।